नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने BHU UG और PG एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित आपको एडमिशन से संबंधित तमाम जानकारी दूं। इससे पहले BHU एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 1 सितंबर 2023 को BHU UG और PG एडमिशन या काउंसलिंग से संबंधित कोई भी नया अपडेट BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, BHU UG एडमिशन से संबंधित जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रिया शुरू करना था BHU को कल, वह किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाया है और इसके अतिशीघ्र शुरू होने की संभावना है। और इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपके पोर्टल पर भी भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूं, आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपनी मेल ID और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें, क्योंकि इस समय डेली BHU में एडमिशन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं और जो सूचनाएं हैं वह कभी भी आपको भेजी जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप BHU एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं, उसको खंगाल सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी है कि जब भी आप कोई सवाल पूछें, जानकारी मांगें, तो निश्चित रूप से आप अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें, जिससे मैं आपके सवाल को ले सकूँ और आप भी अपने सवाल को अपने नाम के साथ सुन सकें। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं जल्दी से PG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में बात करूं, तो PG के कुछ सब्जेक्ट में यानी कुछ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई है, यानी 1 सितंबर 2023 से ही शुरू हो गई है। और इसमें जैसे मैं इकोनॉमिक्स का नाम लूँ तो ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने अपना एडमिशन शुरू कर दिया है। वहीं मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि सारे डिपार्टमेंट में, PG के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में सबसे पहले जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है, वो PC कैंडिडेट का किया जाएगा, उसके बाद ही रेगुलर राउंड चलाया जाएगा। जबकि PG के कुछ सब्जेक्ट्स में काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की, जैसे साइकोलॉजी, इंग्लिश और भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन डिपार्टमेंट के एडमिशन कमेटी को आज BHU में बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, तो इसमें आज दिन भर क्या होता है यह स्थिति शाम तक और भी स्पष्ट हो जाएगी। जैसा कि अगर मैं एक विषय के रूप में आपको विस्तृत जानकारी दूं, यानी साइकोलॉजी के बारे में अगर मैं विस्तृत जानकारी दूँ PG एडमिशन से संबंधित, तो आज हम लोगों को साइकोलॉजी PG एडमिशन के लिए जाना है और वहां पहुंचने के बाद यह स्थिति साफ हो जाएगी कि आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम होगा या नहीं होगा। उम्मीद तो यही है कि आज से एडमिशन की प्रक्रिया साइकोलॉजी में शुरू हो जाएगी, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट में हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी PC कैंडिडेट का किया जाएगा। मैं थोड़ा और विस्तृत जानकारी साइकोलॉजी PG के बारे में आपको दूं, तो साइकोलॉजी PG काउंसलिंग से संबंधित एक टेंटेटिव काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें PC का 2 राउंड चलेगा और पहला राउंड आज यानी 2 सितंबर को चलेगा, जबकि PC का दूसरा राउंड कल यानी 3 सितंबर 2023 को चलेगा। इसके साथ ही साथ साइकोलॉजी PG के काउंसलिंग में जो रेगुलर राउंड है वह कुल 3 चलेगा। पहला रेगुलर राउंड जो है वह 5 सितंबर को चलाया जाएगा, दूसरा जो रेगुलर राउंड है वो 7 सितंबर को चलाया जाएगा और तीसरा और अंतिम रेगुलर राउंड जो है वह 8 सितंबर 2023 को चलाया जाएगा। ये साइकोलॉजी में काउंसलिंग का एक टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव है, यानी कोई भी परिवर्तन हो सकता है।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो पीजी में कुछ सब्जेक्ट में यानी कुछ डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार यानी 4 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर के बीच में शुरू की जा सकती है। जैसे सोशियोलॉजी आप ले सकते हैं, हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री है, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें काउंसलिंग की प्रक्रिया मंडे से लेकर के 6 सितंबर के बीच शुरू की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी तक यूजी और पीजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ साझा किया और अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और यह सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैंने बहुत सारे सवालों में से मात्र 11 ऐसे सवाल लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर विद्यार्थियों से के तरफ से पूछा गया है। पहला सवाल लेते हैं जो महेश राठौर जी के तरफ से पूछा गया है। ये राजस्थान से हैं और ये जानना चाहते हैं कि सर मेरी बेटी का एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में हो गया है, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। सर यह प्रक्रिया कब तक होगी और हॉस्टल अलाटमेंट हम लोगों का कब तक किया जाएगा? सर जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपके बेटी का एडमिशन फर्स्ट राउंड केमिस्ट्री ऑनर्स में ही हो गया था और अभी तक कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी 8 राउंड चलाए गए हैं, रेगुलर राउंड चलाए गए हैं, उन सभी को अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स अलाट किया गया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। बहुत जल्द ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आपके पोर्टल पर सूचना भेजी जाएगी। ये सूचना जाते ही आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ रिमेनिंग फीस से संबंधित भी कार्य पूरा कराया जाएगा। और जो हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में सर आप पूछ रहे हैं, मैं ऐसा है कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट है, पहले जब हम लोग एडमिशन करते थे तो उस समय हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया एडमिशन के कंप्लीट होने से, समाप्त होने से पहले ही शुरू कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट होता है, रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया चलती है, इन्हीं प्रक्रिया के दौरान भी हॉस्टल अलॉटमेंट की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोशिश यही रहेगी कि एडमिशन होते होते बच्चे को रहने की जगह मिल जाए जिससे वो अपनी क्लासेस जो है प्रॉपर तरीके से कर सके। वहीं मयंक शर्मा जी का प्रश्न है कि सर एडमिशन लेटर हम लोगों को कब तक जनरेट होगा? प्रिय विद्यार्थियों, अभी सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित कार्य किया जा रहा है और जैसे ही, मुझे लगता है जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, जिन लोगों का एडमिशन पूरा हो जाता है इन दो प्रक्रियाओं के तहत, उन लोगों को एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा और संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने का जो डेडलाइन है वो भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा। वहीं मिथिलेश सिंह जी हरियाणा से पूछ रहे हैं कि सर रिपोर्टिंग टाइम से हम क्या अगर 1-2 दिन बाद रिपोर्ट करें तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मिथिलेश जी जैसा लिख रहे हैं कि रिपोर्टिंग टाइम से अगर आप 1 या 2 दिन बाद में भी रिपोर्ट करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिपोर्टिंग करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आपने जो एडमिशन लिया है उसे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल प्लस फोटो स्टेट सेट के साथ संबंधित कॉलेज में आप रिपोर्ट करें। वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आपका वहाँ होना है और उस कॉलेज से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, नोटिफिकेशन होगा, वह रिपोर्टिंग के समय आपको किया जाएगा, चाहे वो हॉस्टल से संबंधित हो, चाहे क्लासेस से संबंधित हो, इन तमाम तरह की सूचना भी आपको रिपोर्टिंग के समय प्रदान की जाएगी। तो आप 1-2 दिन बाद भी रिपोर्ट करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं सौम्या गुप्ता जी का सवाल है कि सर मॉपअप में कितनी सीटें खाली हैं और अलग अलग कोर्सेज में कितनी सीटें खाली हैं? सौम्या जी, इस प्रश्न का जवाब देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि
यूजी के अलग अलग कोर्सेस में कितनी सीटें मॉपअप राउंड में खाली हैं, इसका निर्धारण तभी हो पाएगा जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट एंड रिमेनिंग फीस जमा करने के बाद एक राउंड पुनः चलाया जाएगा और अपग्रेड होने के बाद जितनी सीटें हमारे पास बचती हैं, खाली होती हैं, चाहे वो छोड़ने के बाद या कैंसिल कराने के बाद या एडमिशन न लेने के बाद, इन सारे चीज़ों के बाद जो खाली सीटें हमारे पास अलग अलग कोर्सेज में आएंगी उन्हीं सीटों के लिए मॉपअप राउंड कराया जाएगा। क्योंकि ये प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है इसलिए यूजी के सारे कोर्सेज में मॉपअप राउंड के लिए कितनी सीटें खाली हैं यह बताना बहुत ही मुश्किल है। वहीं अर्पित गंगवार जी और मनीषा राव जी की तरफ से सवाल आया है कि सर सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी और कब तक पूरी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रक्रिया पर BHU के तरफ से काम किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलाटमेंट का कार्य किया जाएगा, रिमेनिंग फीस से संबंधित भी कार्य किया जाएगा और आपका एडमिशन होने के बाद रिपोर्ट करने का भी आपको समय बहुत जल्द दिया जाएगा और रेगुलर राउंड ये एक रिजल्ट पुनः चला करके अपग्रेड करने के बाद मॉपअप राउंड की शुरुआत भी बहुत जल्दी की जाएगी। वहीं देवेश प्रकाश जी, नेहा झा जी, मनीष यादव जी, सोमनाथ शर्मा जी बिहार से लिख रहे हैं कि सर PG काउंसलिंग कब से होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि PG की काउंसलिंग कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है, जबकि आज से कुछ डिपार्टमेंट में PG की काउंसलिंग शुरू होगी, जबकि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में PG की काउंसलिंग सोमवार से लेकर के यानी 4 से लेकर 6 सितंबर के बीच शुरू हो सकती है। तो इसलिए आप सभी को इस समय बिल्कुल जागरूक रहना है, बिल्कुल तैयार रहना है और अपने ऑफिशियल अपने जो मेल ID है और साथ ही साथ जो अपना स्टूडेंट पोर्टल है उसको नियमित रूप से आपको चेक करते रहना है और साथ ही साथ BHU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको नियमित रूप से विजिट करना है, जिससे किसी भी तरह की सूचना मिस न होने पाए और आप संबंधित प्रक्रिया को समय से पूरा करा सकें। वहीं अनीता दास जी झारखंड से लिख रही हैं कि सर एडमिशन कैंसिल कराने पर क्या हमें दोबारा मौका मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का नहीं मिलेगा? अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत गलत है। अनीता जी, जैसा कि आप लिख रही हैं, यदि आप एडमिशन अपना विड्रॉ कराती हैं या कैंसिल कराती हैं तो उस कंडीशन में आपको दोबारा मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब तक का BHU का अपडेट यही है। अब इस पर आगे क्या होता है, क्या BHU एडमिशन कैंसिल कराने वाले विद्यार्थियों को पुनः मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका देगा या नहीं देगा? अभी तक तो यही है कि ऐसे बच्चों को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप में इसकी सूचना भी मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन के साथ ही जारी कर दिया जाएगा। हालांकि मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा है या ऐसा होने की संभावना बहुत कम लग रही है। वैभव पांडे जी लिखते हैं कि सर मैंने सिर्फ एक ही प्रिफरेंस भरा था तो इस कंडीशन में मेरा सब्सिडरी जो 2 सब्जेक्ट है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? वैभव जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लिख रहे हैं कि मैंने एक ही प्रिफरेंस भरा था और मेरा एडमिशन उसी प्रिफरेंस पर यानी उसी सब्जेक्ट ऑनर्स पर हो गया, तो चूंकि मैंने दूसरा और तीसरा प्रिफरेंस नहीं भरा है तो उस कंडीशन में मुझे सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में 2 सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा? यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं भी आपके इस प्रश्न का जवाब देने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। मैं आपके इस प्रश्न पर निश्चित रूप से एडमिशन कमेटी में मैं रखूंगा और इस पर डिस्कशन के बाद ही मैं सही रूप से आपके प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं हलीमा खातून जी हैदराबाद तेलंगाना से पूछ रही हैं और साथ ही साथ मानसी सिंह दिल्ली से जानना चाहती हैं कि सर PG साइकोलॉजी में कुल कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ कितने बच्चों ने साइकोलॉजी PG के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं
कि साइकोलॉजी में BHU मेन कैंपस और प्लस जो चार बाहर के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सभी को मिलाकर के कुल लगभग 250 सीटों के आसपास सीटें साइकोलॉजी में हैं। और जहां तक आपने रजिस्ट्रेशन की बात की है तो कुल साइकोलॉजी में PG करने के लिए लगभग 1500 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इन सभी 5 सेंटर्स पर 1500 बच्चों ने यदि रजिस्ट्रेशन किया है और सीटें लगभग 250 के आसपास हमारे पास हैं, तो इस हिसाब से एक सीट पर लगभग 6 बच्चों की फाइट होगी। वहीं आप अगला सवाल पूछ रही हैं कि एडमिशन PG साइकोलॉजी में कब तक पूरा होगा, और साथ ही साथ क्या हम लोग एक से अधिक प्रेफरेंस, हम लोगों को एक से अधिक प्रेफरेंस भरना जरूरी है। देखिए, एडमिशन कब तक पूरा कर लिया जाएगा, अगर टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो 8 सितंबर के आसपास एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान है कि 10 सितंबर के आसपास PG का जो एडमिशन है वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा कि आप लिख रहे हैं कि एक से अधिक प्रेफरेंसेस भरना साइकोलॉजी में ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने इच्छानुसार एक या एक से अधिक प्रेफरेंसेस भर सकती हैं। आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस और इंडेक्स के आधार पर भी आप पर ही आपको एडमिशन लेने का मौका प्रदान किया जाएगा। वहीं सावित्री जी आसाम से लिख रही हैं कि सर, मॉपअप में क्या हम लोग एक से अधिक कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकती हैं। यदि आप मॉपअप राउंड में, यदि आपने अलग अलग कोर्सेस का इंट्रेंस दिया होगा तो मॉपअप राउंड में आप एक से अधिक कोर्सेस में भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकती हैं। लेकिन आपको अलग अलग कोर्सेस में रजिस्ट्रेशन कराने का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग अलग देना पड़ेगा। हालांकि नियम ये भी है कि यदि आपका सिर्फ एक कोर्स में एडमिशन हो जाता है तो वो फीस आपकी एडजस्ट कर ली जाएगी, यानी वहाँ की जितनी फीस होगी उसमें से -1000 हो जाएगा, और दूसरे कोर्स में जो आपने 1000 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन कराया था वो पैसा आपका वापस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि दोनों कोर्स में आपका एडमिशन नहीं होता है तो दोनों कोर्सेस का जो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने कराया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल जो यस रजनी राव ये केरला से पूछ रही हैं कि सर, एडमिशन लेने के बाद कॉलेज पसंद न होने पर क्या हम अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं, और यदि हम एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो हमारी फ़ीस वापस होगी या नहीं होगी? देखिए, एडमिशन लेने के बाद कॉलेज पसंद न आने पर निश्चित रूप से यदि आप चाहें तो अपना एडमिशन आप कैंसिल करा सकती हैं, और आप चाहें तो आप पढ़ भी सकती हैं। लेकिन अगर आप एडमिशन कैंसिल कराती हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन फीस निश्चित रूप से वापस कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो कमिटमेंट फीस आपकी 2500 रुपया है वो वापस नहीं होगी। जो रिमेनिंग फीस आपने संबंधित कॉलेज की जमा की है वो आपका वापस हो जाएगा। और आपने जैसा लिखा है कि सर, यह फीस वापस होने में कितना समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि यह इस फीस के वापस होने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। और अगला सवाल आपने किया है कि क्या जो सीट हम लोग छोड़ते हैं उस सीट पर दूसरे कैंडिडेट को एडमिशन मिलेगा? देखिए, दूसरे कैंडिडेट को एडमिशन मिलना और न मिलना अपग्रेड होने की जो संभावना होती है वो तभी होती है जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद यदि आप अपनी सीट छोड़ती हैं तो संबंधित कॉलेज आपको जो बची हुई फीस है रजिस्ट्रेशन के बाद वाली वो वापस तो कर देगा, जिसमें 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन आपके द्वारा छोड़ी गई सीट पर किसी दूसरे बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, वो सीट खाली रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि BHU के द्वारा कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के प्रश्नों की जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप BHU एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट्स आता है, मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।